सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकवर्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे यहां पर स्नैपचैट प्लस है, व्हाट्सएप प्लस है, यूट्यूब प्लस है, इंस्टाग्राम प्लस है, ट्विटर प्लस एंड फेसबुक प्लस है। ये एप्लीकेशन आप अपने आईफोन में फ्री में कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सफारी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। सफारी ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेड जेलब्रेक आपको टाइप करना है और यहाँ पर आपके सामने नीचे एक वेबसाइट आ जाएगी, जेड जेलब्रेक पंगू 8 यानी कि पंगू 8.com। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा अगर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जेड जेलब्रेक फॉर iOS 11 का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास में इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो आ जाती है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल करने के बाद में आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद में आपको डन कर देना है। मैं पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ इसलिए जो है इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जेड जेलब्रेक इस तरीके का जो है ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको ऐप बेली का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पर ऐप बेली और यहाँ पर ZMS फॉर यू है और जेस्टिया है। तो यहाँ पर ऐप बेली आपको डाउनलोड करना है। ऐप बेली यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐप बेली भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए इसे भी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है ऐप बेली। तो इसको हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको प्लस के ही मिलते हैं। यहाँ पर स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर प्लस है, व्हाट्सएप प्लस है, फेसबुक प्लस है, ये एप्लीकेशन डुप्लीकेट विदाउट पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इंस्टॉल का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो आपको उस पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करता हूँ। जब इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होगा, आपके सामने एक पॉपअप विंडोज ओपन होता है, इसलिए क्योंकि इसे परमिशन चाहिए होगी, उसके बाद में ही ये ओपन होगा। तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद में आपको आ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पे आने के बाद में आपको ओपन करना है जनरल, यहाँ पर आपको जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे एकदम आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट फॉर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में चेंज आईटोजी टेक्निकल, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आएगा कि डिनाई है, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में फिर जो भी एप्लीकेशन है आपके पास यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो जब तक आप यहाँ से अलाउ नहीं करते हैं, जब तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कोई भी आपका ओपन नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे ट्विटर प्लस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ट्विटर प्लस या इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट जो भी आप चाहें वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और यूज कर सकते हैं अपने आईफोन में।